हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज अपने इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट। मैं बताऊंगी एक और इम्पॉर्टेंट इशू आप कह सकते हो, जो कि एक क्लैरिफिकेशन का टॉपिक बना हुआ था काफ़ी लोगों के लिए। बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे थे कि मैम हमें प्लीज़ बताएं कि क्या हम वेकेशन स्टाफ में फॉल करेंगे अगर हमारी नौकरी लग जा रही है, जो कि बहुतों की लग गई इसी साल। तो मैम हम वेकेशन स्टाफ में फॉल करेंगे या हम नॉन वेकेशन स्टाफ में फॉल करेंगे, मैम हमें छुट्टियां कितनी मिल रही है, नेशनल हॉलीडेज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो आइए आज अपने इस वीडियो में हम दो बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में, जैसा मैंने आपको बताया कि दो बहुत इम्पॉर्टेंट इश्यूज के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। एक तो ये कि जो स्टाफ्स हैं उनमें से किन स्टाफ्स को वेकेशन स्टाफ के अंदर बांटा जा रहा है और किन स्टाफ को नॉन वेकेशन स्टाफ के अंदर बांटा जा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे कि जो हॉस्टल वार्डन है क्या वो वीकली ऑफ के लिए एलिजिबल है, जैसा कि उन्होंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट डाला था नेस्ट के सामने। और अगर वो वीकली ऑफ के लिए एलिजिबल हैं तो वीक में किस दिन से किस दिन के बीच में उन्हें जो कि ऑफ मिलेगा। तो इन सब की जानकारी हम देंगे आपको आज अपने इस वीडियो के माध्यम से, ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो बहुत लोग कंफ्यूज थे कि भाई वेकेशन स्टाफ में फॉल करते हैं या नॉन वेकेशन स्टाफ में फॉल करते हैं, खास करके जो लोग हॉस्टल वार्डन के इसमें आ रहे हैं, कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, जिन्होंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। लोग ये जानना चाह रहे थे कि हम हॉस्टल वार्डन के लिए हमने अप्लाई कर रखा है, मैम हमारा सिलेक्शन भी हो गया है, क्या हमें जो की है हम वेकेशन स्टाफ में फॉल कर रहे हैं और हमें कितनी नेशनल हॉलीडेज मिल रहे हैं। तो आइए पहले इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि वेकेशन स्टाफ के अंदर सारे टीचर्स, स्टाफ नर्स, केटरिंग असिस्टेंट, कुक, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर एंड हॉस्टल वार्डन आ रहे हैं, यानी ये सब जो की है वेकेशन के लिए एलिजिबल हैं। मैं फिर से बता दूं, आपका टीचर्स हैं, जितने टीचर्स हैं ऑल टीचर्स, स्टाफ नर्स है, स्टाफ नर्स के साथ केटरिंग असिस्टेंट है, इसके साथ कुक है, लैब असिस्टेंट है एंड मेस हेल्पर है, एंड इन सब के साथ साथ जो कि है हॉस्टल वार्डन भी हैं, जो कि फॉल कर रहे हैं वेकेशन स्टाफ की कैटेगरी में। फर्स्टली अब इनको जो ईएल मिल रहा है वो है 10 दिन की, जो एचपीएल मिल रही है हाफ पे लीव है आपका वो निल है, वो नहीं मिल रहा है। आरएच है, ये जो कि रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज है ये भी निल है आपके, और इसके साथ साथ जो की है सीएल है यानी कैजुअल लीव से आपके, ईएल ये अर्न लीव्स होते हैं ये 10 है और सीएल जो कैजुअल लीव है वो है 8। तो इतने सारे दिनों की आपको ईएल, सीएल, एचपीएल एंड आरएच मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये मैं वेकेशन स्टाफ की बात कर रही हूँ। इसके सिवा अब अगर हम देखें कि नॉन वेकेशन स्टाफ में कौन फॉल कर रहे हैं, तो नॉन वेकेशन के स्टाफ में फॉल कर रहे हैं स्टाफ अदर देन वेकेशन स्टाफ, यानी जो यहाँ जैसे केटरिंग असिस्टेंट थे, यहाँ पे स्टाफ नर्स है, यहाँ पे कुक है, लैब अटेंडेंट है, मेस हेल्पर है, यहाँ पे हॉस्टल वार्डन है, सारे टीचर्स हैं, तो इन सबको छोड़कर और जो भी हैं वो सब फॉल करेंगे नॉन वेकेशन के कैटेगरी में। और यहाँ पे प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल, अब जैसे अकाउंटेंट है फॉर एग्जाम्पल, है ना, अकाउंटेंट किस कैटेगरी में आ गए, अगर वो वेकेशन स्टाफ में नहीं फॉल कर रहे हैं तो वो नॉन वेकेशन स्टाफ में फॉल कर रहे हैं, और नॉन वेकेशन स्टाफ में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल भी हैं। यहाँ पे साफ लिखा है स्टाफ अदर देन वेकेशन स्टाफ इंक्लूडिंग प्रिंसिपल एंड नॉन प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल आर इन द कैटेगरी ऑफ नॉन वेकेशन स्टाफ। अब इनको कितनी छुट्टियां मिल रही है, देखिए इनकी जो ईएल है यानी अर्न लीव है वो 30 दिन की है, जो सीएल है यानी कैजुअल लीव है वो आपकी 8 दिन की है, आरएच है यानी रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है वो 2 दिन का है, और एचपीएल है यानी हाफ पे लीव जो है वो है 20 दिनों की। इस सबके सिवा जो वेकेशन स्टाफ और नॉन वेकेशन स्टाफ की छुट्टियां बटी हुई है, उस सबके सिवा सारे ही स्टाफ जो की है जो नेशनल हॉलीडेज है, 14 नेशनल हॉलीडेज होंगे उनके लिए एलिजिबल है, और इसके साथ साथ जो कि 3 और हॉलीडेज हैं जो कि डिसाइड करेगी स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी, जो 3 और हॉलीडेज हैं जो कि आप कह सकते हो ऑब्जर्व होगा बाय द स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी, तो वो जो कि उन छुट्टियों के लिए ये लोग एलिजिबल हैं, फिर चाहे वो वेकेशन स्टाफ हो फिर चाहे वो नॉन वेकेशन स्टाफ हो। एक चीज ये हो गई। अब आइए हम बात करते हैं कि भाई ये तो हो गई बात वेकेशन स्टाफ और नॉन वेकेशन स्टाफ की, इसके साथ साथ भाई हमने देख लिया कि कितने 14 दिन की जो छुट्टियां हैं नेशनल हॉलीडेज वो भी मिल रही है, और कैसे 3 दिन की जो छुट्टियां ऑब्जर्व होंगी बाय द स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी उसके लिए भी वो एलिजिबल है, और कैसे हॉस्टल वार्डन फॉल कर रहे हैं वेकेशन स्टाफ के अंदर, है ना। अब हम बात करते हैं कि क्या हॉस्टल वार्डन वीकली ऑफ के लिए एलिजिबल है।
तो देखिए नेस्ट ने एक लेटर इसके लिए भी सर्कुलेट कर रखा है और नेस्ट ने ये बताया है कि देखिए एक हाउस सिस्टम होगा, हम सब जानते हैं, इस पे भी मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो मेरे वीडियोस पे जाके आप चेक कर सकते हो, ज्ञानालय पे जाके आप वीडियोस में सर्च कर सकते हो, है ना। एक हाउस सिस्टम होगा, मैं फिर भी शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, और हाउस सिस्टम में जो की है हाउस मास्टर्स होंगे, जो टीचर्स हैं उनको जो कि हाउस मास्टर्स बनाया जा रहा है। हाउस मास्टर्स के साथ साथ यानी टीचर्स जो हाउस मास्टर्स बनेंगे उनके साथ साथ हॉस्टल वार्डन का भी काम होगा कि बच्चों पे आपको ध्यान रखना है, बच्चों की एक्टिविटीज को आपको केयरफुली वॉच करना है ना, अलर्ट रहना है बच्चों के केस में आपको, है ना। लेकिन इसके साथ साथ ये बताया गया, और इनकी जो ड्यूटीज है वो ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दी गई है, वो ऑलरेडी सर्कुलेट कर दी गई है कि जो टीचर्स हाउस मास्टर्स बनेंगे उनकी क्या ड्यूटीज है, जो हॉस्टल वार्डन है उनकी क्या ड्यूटीज है, ये ऑलरेडी सर्कुलेट कर दी गई है। इसके साथ साथ बहुत सारे जो हॉस्टल वार्डन्स है उन लोगों ने ये भी मतलब आप कह सकते हो कि रिक्वेस्ट डाली थी कि भाई हमें जो कि वीकली ऑफ मिले, है ना, ये हॉस्टल वार्डन की जो रिक्वेस्ट थी इसको कि नेस्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है, और इस रिगार्ड में नेस्ट ने ये क्लैरिफाई किया है कि जो हॉस्टल वार्डन है वो लोग एलिजिबल है वीकली ऑफ के लिए, पहली चीज, यानी हॉस्टल वार्डन को वीकली ऑफ मिलेगा ही मिलेगा। अब दूसरी चीज क्या है, लेकिन वो वीकली ऑफ जो मिलेगा वो आपको ट्यूसडे से फ्राइडे के बीच में मिलेगा, यानी ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे इन चार दिनों में से ही आपको वीकली ऑफ मिलेगा, है ना। अब इसके साथ साथ क्या है कि जब वीकली ऑफ मिलेगा हॉस्टल वार्डन को, तब उस समय जो हाउस मास्टर्स होंगे, यानी जो हाउस सिस्टम है, हाउस सिस्टम के लिए जो हाउस मास्टर्स अलॉट किए गए हैं, टीचर्स जो हाउस मास्टर्स के फॉर्म में एक्ट करेंगे हाउस सिस्टम के लिए, उनका काम होगा कि वो लोग पूरी तरह से जो कि स्टूडेंट्स पे ध्यान रखें, पूरी तरह से स्टूडेंट्स का केयर करें, है ना, उनके एक्टिविटीज को वॉच करें। और इसके साथ साथ जो कि है ये बता दिया गया है कि जो हाउस वार्डन है, मतलब जो हॉस्टल वार्डन है एंड जो हाउस मास्टर्स है, दोनों को ही जो कि है बहुत विजिलेंट रहना है चिल्ड्रन के केस में, बच्चों के केस में वहां पे। तो मतलब इन शॉर्ट कि जो वेकेशन स्टाफ है उनको आप कह सकते हो कि जो HPL है एंड RH नहीं मिल रहा है, यहाँ पे जो नॉन वेकेशन स्टाफ है, अदर देन वेकेशन स्टाफ जितने हैं वो सब नॉन वेकेशन स्टाफ की कैटेगरी में आ रहे हैं, और यहाँ पे प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल भी आ रहे हैं, हॉस्टल वार्डन वेकेशन स्टाफ की कैटेगरी में आ रहा है। इस कंफ्यूजन को दूर कर ले लोग, बहुत बार लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा है, टेलीग्राम पे भी पूछा है कि मैम अगर हम हॉस्टल वार्डन हैं तो क्या हमें छुट्टियां मिलेंगी, आपको बिल्कुल मिलेगी, आप वेकेशन स्टाफ में हो, है ना। यहाँ जो नॉन वेकेशन स्टाफ है उनको भी EL, CL, HPL, RH सब मिल रहा है, इसके सिवा 14 दिनों की छुट्टियों के साथ साथ 3 दिनों की छुट्टियां ऑब्जर्व करेगी जो स्टेट EMR सोसाइटी है वो। इसके साथ साथ वीकली ऑफ के लिए भी हॉस्टल वार्डन ने जो एप्लीकेशन डाली थी नेस्ट को, नेस्ट ने वो ग्रांट कर दिया है, वीकली ऑफ के लिए भी एलिजिबल है हॉस्टल वार्डन, लेकिन ये सिर्फ ट्यूसडे से फ्राइडे के बीच में ही होगा, इन चारों दिन में से किसी दिन जो कि आपको एक दिन वीकली ऑफ मिलेगा। उसके सिवा आप लोगों, आप लोग जब भी वहां रहोगे कैंपस के अंदर EMR स्कूल के अंदर, आपको जो कि है आपके साथ साथ आप लोगों को, यानी हॉस्टल वार्डन को तो करना ही होगा, और आप लोगों के साथ साथ जो हाउस मास्टर्स होंगे, जो टीचर्स होंगे जो एक्ट करें एज हाउस मास्टर्स, उन्हें भी जो कि है बच्चों के केस में बहुत विजिलेंट रहना होगा और बहुत केयरफुल रहना होगा, और बच्चों की पूरी तरह से जिम्मेदारी उठानी होगी, उनका पूरा तरह से ध्यान रखना होगा। तो आई होप कि ये दोनों नोटिसेस जो निकले हैं नेस्ट द्वारा, इसका जो मैसेज है वो मैंने केयरफुली आपको अपडेटेड फॉर्म में आप पहुंचा दिया है, और आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा हमारा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, प्लीज प्लीज स्टे ट्यून्ड टू ज्ञानालय, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।